ईद आती है, लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख करते हैं, मगर वजीर आजम नवाज शरीफ ईद का त्यौहार अपनों की बजाय गैरों में मनाने को तरजीह देते हैं। गुज़िश्ता बरस ईद का त्यौहार आया तो दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म के 22 हजारों अफराद बेघर थे, मगर वजीर आजम ने IDPs के साथ ईद मनाने की बजाय सऊदी अरब का रुख किया और ईद का त्यौहार उधर ही मनाया। मीठी ईद गुजरी तो बकरा ईद की बारी आई, मगर इस बार भी वजीर आजम ने अपने अजीज हम वतनों से दूर मलका बरतानिया के यहाँ ईद मनाने को पसंद किया। अब 2016 की पहली ईद आने को है, मगर वजीर आजम वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहे और ये ईद भी पाकिस्तान में जीने मरने के दावे करने वाले वजीर आजम अपनों से दूर लंदन में ही गुजारेंगे। कौम वजीर आजम से सवाल करती है कि आप तो जिदा वतनी के दौरान अक्सर शिकवा करते नजर आते थे कि आपका दिल अपने मुल्क वापस आने को तरसता है, लेकिन डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ आपको अपनों में ईद मनाने की भी इजाज़त नहीं देता। वजीर आजम साहब, अब आपके पाकिस्तान ईद करने में क्या रुकावट है?